नमस्कार दोस्तों, आज हम मॉन्की पॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि मॉन्की पॉक्स क्या होता है। हम लोगों ने बचपन में चेचक के बारे में सुना है या माता के बारे में सुना है। तो जो मॉन्की पॉक्स है, ये भी एक वायरस है और ये इसी परिवार का एक सदस्य, उसी परिवार का एक हिस्सा है। इस वायरस की शुरुआत जो है वो अफ्रीका में हुई थी और ये अक्सर वायरस जानवरों में पाया जाता था। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है जो जानवर से इंसान में आती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो है वो जानवरों के साथ अपना रखरखाव ज़्यादा करता है, या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको वो पालने की कोशिश करता है। तो अक्सर ऐसा करने से जानवर का जो इन्फेक्शन है या जानवर का जो वायरस है वो इंसान में भी आ जाता है, और फिर वो एक इंसान से बाकी इंसानों में फैल के बीमारी का रूप धारण कर लेता है। जो मंकी पॉक्स है, इसकी शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका से बाकी देशों में चला गया क्योंकि अफ्रीका से जानवरों को बाकी देशों में ले जाया गया था पालने के लिए, और इस दौरान ये इन्फेक्शन हुआ है। अक्सर ये मंकीज़ में पाया जाता है, जैसे इसका नाम है, इनको प्राइमेट्स बोलते हैं। तो ये जो हैं हमारे जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, बट बाकी जानवरों में जैसे रोडेंट्स में भी इस वायरस को पाया गया है। ये कैसे फैलता है, दूसरा सवाल ये उठता है। देखिए, ये वायरस तब फैलता है यदि हमारे जानवर के कंटैक्ट में रहें, जिस जानवर के पास मंकी वायरस का इन्फेक्शन हो, या किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया और हम उनके कंटैक्ट में आ गए, तब ये फैलता है। तो ये टच करने से, उनकी सिक्रीशंस को हैंडल करने से, उनके खांसने से, तो जब भी उनकी एसोसिएशन में रहेंगे, क्लोज कंटैक्ट में रहेंगे, उनको देखभाल करने में जो नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होते हैं, तो जब उनके टच में आते हैं, तो अगर प्रॉपर प्रिवेंशन ना लिए जाएं, तो मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा प्रश्न ये है कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, एक बार मंकी पॉक्स का वायरस हमारे शरीर में आता है तो बीमारी आने में कम से कम 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। बीमारी वायरल की तरह होती है, जैसे हम माता का देखते हैं, माता के अंदर में बुखार होता है, उसमें रैश होता है, उसके अंदर में गांठें हो जाती हैं, फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, सिर में दर्द, बदन में दर्द, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है इस चीज़ के। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि इसके अंदर में रैश होता है। रैश का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर में कई जगहों पर छोटे 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 जो दाने होते हैं, जो बढ़ के पैप्यूल से हो जाते हैं, फिर वो उनके अंदर में गुब्बारे की शक्ल लेते हैं, फूट जाते हैं, और फिर उनसे एक स्कार रह जाता है, या कई बार उसमें निशान छोड़ जाता है, पिगमेंटेशन छोड़ जाता है। अक्सर ये चीज़ें मंकी पॉक्स के अंदर में चेहरे पे होती हैं, हाथों में और पैरों के तलवों में हो जाती हैं, साथ में जोड़ों में दर्द भी रह सकता है, कभी काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में दर्द भी रह सकता है। चिकन पॉक्स भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसके अंदर में हम देखते हैं कि जो हमारा रैश होता है वो ट्रंक के ऊपर होता है, मीन्स बदन के ऊपर में होता है, हाथों पैरों में ज़्यादा हो जाता है, मुँह के अंदर में भी ये छाले हो सकते हैं जिसके कारण से खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। तीसरा प्रश्न आता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। इसका डायग्नोसिस सबसे पहले होता है कि सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या है, क्या मरीज़ ऐसे व्यक्ति के टच में आ चुका है, क्या मरीज़ के विदेश जाने की हिस्ट्री है कि नहीं है, और फिर उसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह से है। तो इस तरह से सबसे पहले डायग्नोसिस बनता है। इसका डायग्नोसिस हम लोग RT-PCR, एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। जो रूटीन हमारे एलाइजा एंटीजन बेस्ड टेस्ट होते हैं वो इसके लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि वो क्रॉस चेक कर जाते हैं बाकी वायरसेस के साथ। तो PCR एक टेस्ट होता है जिसके अंदर में हम उसको देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक डिसऑर्डर जो है जल्दी फैलता है, मीन्स इसकी कम्युनिकेबिलिटी ज़्यादा है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये 2 से 3 सप्ताह 4 सप्ताह के अंदर में ठीक हो सकता है, लेकिन कई लोगों को इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बुखार हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसी किसी व्यक्ति में ऐसी हो सकती है, इसलिए हमें इसको सावधानी बरतनी पड़ती है और हमें देखना पड़ता है कि किसी तरह से हम इसको प्रिवेंट कर पाएँ। तो जो इसका ट्रीटमेंट प्राइमरली है वो प्रिवेंशन है, मीन्स हमें सावधानी बरतनी है। जैसा हमने कोविड टाइम पर देखा कि हमने प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसमें हैंड वॉशिंग था, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, बाकी लोगों के टच से दूर में रहना है, जिनको ये संभावना है इस प्रॉब्लम की, तो यही इसमें एक प्रिवेंशन का एक तरीका है। इसकी कोई विशेष दवाई नहीं है, एक एंटीवायरल दवाई है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी अभी ज़्यादा नहीं है, उसकी अप्रूवल्स का भी देखना ज़रूरी है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट समझना है कि एक सेल्फ एम्प्टिंग होता है जो 2 से 3 हफ्ते के अंदर में धीरे धीरे करके ठीक होता है। प्रोटेक्शन हमारी हैं, प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इसके अंदर में, जिसके अंदर हमने कहा ग्लव्स यूज़ करना है, फेस मास्क यूज़ करना, और जो केयर कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी। इसका कोई विशेष वैक्सीन आज की देर में नहीं है, लेकिन वैक्सीन्स कई देशों में अवेलेबल है, और
जो पुराने वैक्सीनेशन लोगों के रखे लगे हुए हैं, जैसे लोगों को चेचक के वैक्सीन लगे हुए थे पहले ज़माने में, लेकिन 1977 के बाद चेचक तो दुनिया से लुप्त हो गया था, उसके बाद से उसकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। इसलिए कुछ लोगों को बेनिफिट मिल सकता है जिनके चेचक के वैक्सीन लग चुके हैं, जो पहले 70s में 60s में पैदा हुए हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो वल्नरेबल रहेगी क्योंकि उनके इस टाइप की कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है। थैंक यू।